यमुना पार के खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते सोमवार की शाम पुराडलू गांव निवासी छात्र सत्यम शर्मा की पीट पीट कर हत्या के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी खीरी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। जो एक घटना हुई है, इस घटना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस अभियोग को पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जो नामजद हैं वह अन्य कुल मिलाकर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थाना अध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर, इनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो प्रचलित हैं। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है, वह अन्य अज्ञात में लोग थे। कुल मिला के 5 गिरफ्तारियां, 5 हिरासत में। मैंने आपको पूरा बता दिया, अलग अलग इंडिविजुअल नेम्स लेने का मतलब नहीं, क्योंकि कुछ जुवेनाइल्स हैं। थैंक यू। परिजनों ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है। बता दें कि सोमवार को छात्र की हत्या के बाद पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा समेत कई बड़े अफसर मौके पहुंचे। कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सत्यम परमानंद इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसके चाचा की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। बहन ने बताया कि सोमवार को स्कूल बंद होने पर हम दोनों घर जा रहे थे। जैसे ही तुर्कपुरवा मोहल्ले में पहुंचे कि तभी इसी गांव के और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले गैर समुदाय के छात्रों ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें खींचने का प्रयास करने लगे। छात्रा ने बताया कि मैं चिल्लाई तो भाई सत्यम मंचलों से भिड़ गया। इसके बाद सत्यम पर सभी हमलावर हो गए। उसे तब तक मारा जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गया, वो लहूलुहान हो गया था। मैं चिल्लाती रही पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तुम्हारे बड़े पापा का लड़का था और लड़के के पिता का क्या नाम था? और लड़का का क्या नाम था? सत्यम शर्मा। कहीं पढ़ रहे थे? कौन से स्कूल में? परमानंद बिहार। बिहार में? परमानंद बिहार। बिहार में? अच्छा, मैं नाम नहीं पता। वाले कितने लोग थे मारने में? कुछ जानकारी? कुछ जितने लोग थे मारने में? 3 लोग। त्रिपुरवा के सामने मारा गया है? घटना स्थल अच्छा जो अस्पताल है। अच्छा, मौके पुलिस गई थी? कौन कौन? बाद में पुलिस गई है। जब बंद हो गया तब गई पुलिस। छात्र की हत्या के बाद गांव में काफी बवाल और हंगामा हुआ। परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद समेत 5 पर केस दर्ज हुआ। परिजनों और स्थानीय लोगों ने जाम लगाया था। कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया था। सोमवार देर रात तक प्रदर्शन के बाद मंगलवार को फिर भीड़ उग्र हो गई। मामले के सांप्रदायिक रंग लेते देख कई थानों की पुलिस और PAC मौके पर बुला ली गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और DM संजय खत्री आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिन युवकों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की वो प्रधान के घर से ही ताल्लुक रखते हैं। मामला समुदाय विशेष का होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। परिजनों का आरोप है कि इससे पहले भी छात्रों ने स्कूल में बेटी के साथ छेड़खानी की थी, जिसका उन्होंने प्रबंधक से विरोध दर्ज कराया था और शिकायत की थी। इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की और न ही इसकी शिकायत पुलिस से की। इससे मंचलों का मन बढ़ गया और सत्यम की हत्या कर दी गई। परमानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज पांडेय का कहना है, शिकायत पर उन्होंने युवकों को बुलाकर समझाया था।